हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि मेरे जो प्रैक्टिस बैच में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स पहले से ही, तो उनके साथ मैं एक चीज़ कर रही हूँ कि मैं उन्हें क्वेश्चंस भेज रही हूँ पीडीएफ बना करके, और जो उनके डाउट्स हैं बस उन्हीं का ही मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो बना करके उनको दे रही हूँ। मतलब टीचमेंट एप्लीकेशन पर क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो उनके डाउट्स हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं बस इतना करूँगी, मुझे अपना रिव्यू दे देना कमेंट सेक्शन में, ये चीज़ शुरू करूँ आप लोगों के साथ या नहीं करूँ, क्योंकि ये तो मैं उन प्रैक्टिस बैच वालों को तो मैं ये कराऊंगी कराऊंगी, ठीक है? क्योंकि सिलेबस तो हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट, ठीक? तो अगर आप चाहते हो तो मैं बस इतना करूंगी कि जहां से भी मुझे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगेंगे उन क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाकर, चाहे वो आरडी शर्मा हो, चाहे वो कोई और बुक हो, ठीक है, चाहे वैसे सीजल के क्वेश्चन हो, जो मुझे लगेंगे ओरिएंटेड आप लोगों के लिए, वो चीज़ मैं पीडीएफ बना करके आपको भेजूंगी, ठीक है? ग्रुप में भेज दूंगी आप लोगों को पीडीएफ पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी उसमें होंगे, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं उसी दिन, और उसी दिन करने हैं, उसके बाद नहीं करने। उस वक्त के बाद मैं बताऊंगी भी नहीं वो कैसा होगा कैसे नहीं होगा। उसी दिन आप लोगों को पीडीएफ कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब आपको लिख कर ग्रुप में भेजने हैं। इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन, इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन, इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है? मतलब फोटोज मत भेजना, सिर्फ क्वेश्चंस भेजने होंगे। इस पेज नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है, इस पेज नंबर पे ये वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, तो वो चीज आपको भेजनी है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूंगी, टीचमेंट एप्लीकेशन पर उन्हीं सारे डाउट्स वाले क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड फॉर्म आपको अवेलेबल करा दूंगी। उससे क्या होगा, आप लोग देखोगे तो वहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी टफ टफ से क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और उनका एक इजी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपनी तरफ से। जितना इजी मुझे लगेगा उतना मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अगर ये चीज आप चाहते हो कि आपके साथ भी हो, तो इसका एक मिनिमम प्राइस रखूंगी मैं 777 रुपीज, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो ये चीज आप लोग शुरू करते हो, 777 फीस रहेगी। मे बी 15 दिन तक ये चीज चलेगी, मतलब एग्जाम तक ये चीज आपकी चलेगी, ठीक है? तो उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी मैथ्स वाले सेक्शन में, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? एक बार अपना रिव्यू मुझे दे देना कि ये चीज आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि एक दो स्टूडेंट वैसे तो मैं करा ही रही हूँ, ठीक है? अपना मुझे रिव्यू दे देना, आप लोग चाहते हो ये चीज शुरू करो या नहीं करो, बट उसमें कंडीशन यही है कि जिस दिन मैं पीडीएफ दूंगी उसी दिन पूरी पीडीएफ आप लोगों को सॉल्व कर लेनी है, और फिर मुझे डाउट्स भेज देने, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं फिर रिकॉर्ड भी करूंगी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वजह से मैं ये चीज आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? और जिनको भी इसमें एनरोल करना होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट रहेगी, ठीक है? उस डेट से पहले जो एनरोल करेगा वही एनरोल होगा, उसके बाद वाले मैं किसी को एनरोल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पैसे की नहीं पड़ी है, मुझे अपने सिर्फ टाइम, मेरे लिए इस टाइम टाइम इम्पॉर्टेंट है मेरा, ठीक है? और मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए, तो बात वही है। अगर आप चाहते हो तो शुरू कर सकते हो, ठीक है? बाकी देख लो, अब जैसा आप लोगों को लगता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? बस मैं यही कह रही थी। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक एक इंसान को तो मैं डाउट बता नहीं सकती, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं, तो हर एक का तो मैं डाउट नहीं बता सकती ना। बस उसमें यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद सेलेक्ट कर करके आप लोगों को भेज दूंगी पीडीएफ बना करके, और आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे बता दो, मैं सॉल्व करके रिकॉर्ड कर दूंगी, देन आप उस वीडियो को देख लोगे, तो आपका एक टाइम जो है वो टाइम भी बचेगा आपका, प्रैक्टिस भी होगी अपने हाथ से, और डाउट्स क्वेश्चन भी आपको समझ आएंगे, तो काफी चीजें हेल्प हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ ये चीज चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है? फिर मैं एक वीडियो बना दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे एनरोल करना है टीचमेंट एप्लीकेशन पर, जो भी चीजें होंगी। पर्टिकुलर डेट से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स एनरोल कर पाएंगे, जिसे भी करना है एक पर्टिकुलर डेट से पहले, उसके बाद मैं किसी को एनरोल करूंगी ही नहीं उसमें, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो मुझे एक बार रिव्यू दे देना ये चीज़ शुरू करूं या नहीं करूं।